में आके मार के अबे गया नेट मेरे था, को हाथ में नेट था। बहुत भारी। और क्या ये एक टर्निंग पॉइंट होगा? इस अग्रेशन को क्या पछाड़ा जा सकता है, ये एक देखने वाली बात। Well, अभी मैं बोलने वाला था इफ यू सी देम रन अवे, बट अभी के लिए रा ने जो यहाँ पे नॉक निकाला वो बहुत जरूरी था, और अभी के लिए टीएसएम भी बैकफुट पे जा। डबल घर पे देख क्या आएगा, आएगा डबल घर पे, डबल घर पे वो देखियो ना गाड़ी है। फिलहाल तो कोई नहीं है वहां पे, सुन लेफ्ट से ले सकते, वैसे लेफ्ट से ये वाला हिल है ना, ये वाला हिल ले सकते। चलो 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 राइट मत ले, लेफ्ट 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 में नहीं। अरे वो ये बगी है, बंदे है, बंदे है, उतारो निकलो। मारना था, मरना नहीं था। नॉक कौन हुआ, कहां से हुआ? तुम निकलो मेरी बगी ले जल्दी से। अबे नहीं नहीं सुनो ना, पूरा लेफ्ट में निकल जा, पूरा लेफ्ट है ना, ये वेयर हाउस ले लो, वेयर हाउस ले लो, चल जाओ। अबे भाई बेटा अभी सीधा ले लो भाई, सीधा ले लो, मर जाओ वाली बेटा। चल निकल 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 उसका नहीं आता। वो भी पॉसिबिलिटी है, वो किस्मत ही है। कितने हैं इधर? ज्यादा लगने, जोन गया, कुछ नहीं कर सकता। सुन इन लोगों को मारने का ही ट्राई करना, किल जो उठा लेगा उठा लेगा, पोजीशन से कुछ नहीं आने वाला अभी। अब जा लेफ्ट, दूसरे को मारे, और जा जा जा, जाते रह, ले लिया, मारना, मार इसको, मार दे दोनों को, मार देगा तू। गाड़ी भी है, सोदार बॉल निकाल के निकल, दोनों को निकाल, कुछ नहीं डाल के निकल। अरे अरे फैशन मार, फैशन मार, फैशन नहीं लगेगा, कुछ नहीं डाल दे उसे, कोई ना। नीचे आके नॉक डालो गाइस, अरे भाई हेड खा गया यार, नेट्स डाल दो, नेट्स रिवाइव दो उसे फटाफट। जो हमने राउंड आई थिंक 2 में देखा था वो खत्म होता आपको नजर आएगा, एंड साथ ही साथ ग्लोबल ईस्पोर्ट्स का रिकॉर्ड तो खत्म हो चुका है यहां पे ऑलरेडी, एंड वहां पर 24 फिनिशेस का जो रिकॉर्ड है क्या वहां तक भी पहुंच पाएंगे? लेट्स सी यहां पर क्या होने वाला है। दिन जा जॉर्ड अकेले जा रहे हैं, थोड़ा ओवर अग्रेशन यहां पर जरूर से देखने को मिलता है, वो भी कल लेकर के आ जाएंगे। टीम आ रहे यहां पर मौजूद है, पीछे भी कुछ खिलाड़ी जरूर से रहने वाले हैं। जाते ही एक खिलाड़ी वहां पर नॉक होता हुआ नजर आएगा। टीम रा की बात करें, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि अभी के लिए टीएसएम फुल मूड में नजर आ चुके हैं। 4 फिनिशेस शैडो के पास, हेल्थ काफी कम है, बट इजीली अपने आप को हील करेंगे। आप देखिए जिस तरीके से खेलने लग रहा है, क्लासिक मैच यहां पर चल रहा है। निंजा जॉट को मीनवाइल वहां पर डाउन कर दिया जाएगा, और क्या ये एक टर्निंग पॉइंट होगा? इस अग्रेशन को क्या पछाड़ा जा सकता है, ये एक देखने वाली बात। Well, अभी मैं बोलने वाला था इफ यू सी देम रन अवे, बट अभी के लिए रा ने जो यहां पे नॉक निकाला वो बहुत जरूरी था, और अभी के लिए टीएसएम भी बैकफुट पे जा सकता है। क्यों? क्योंकि पीछे से 1M आता नजर आएगा, एक सैंडविच सिचुएशन, नेट की बारिश होती है, लूसीफर का एक शानदार नेट, एक और नॉक से नॉक करेगा। टीएसएम रिवाइवल तो जरूर दिया है, बट क्या यहां पे टीएसएम वापसी कर पाएगा? 2 प्लेयर्स हैं, एक प्लेयर को रिवाइव करना और बाकी है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए, रा ऑफिशियल का जो एक प्लेयर नॉक था तला को, उनको भी रिवाइवल यहां पे मिल जाएगा। ब्लेज को बुलाया गया यहां पे कवर प्रोवाइड करने के लिए। एनजी है जो पोजीशन ब्लेस की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ब्लेस को 1M के प्लेयर से थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। पीछे से उनके ऊपर बाकी प्लेयर्स भी स्प्रे दे सकते हैं, तो ही गॉट टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल। अगर वो बच जाते हैं, यहां से किसी को नॉक करते हैं, टीएसएम फिर से आपको रश करता नजर आएगा। भूल जाइए नॉक के बारे में क्या बोला था मैंने, दे आर ऑलरेडी रशिंग इट। शैडो वहां पे नेट लेके खड़े, स्मोक यहां पे कर दिए गए हैं। तल्ला बॉय से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, बिकॉज़ वो नीचे हैं, नेट्स यहां पे आ सकते हैं, बच के रहिए। निंजा 7 फिनिशेस निकाल चुके हैं, बट नेट से नॉक हो जाएंगे, एंड हियर यू गो टीएसएम ऑन द बैक फुट एज वेल। बिल्कुल और एक्विनॉक्स यहां पर 2 प्लेयर जरूर से बचते। लेट्स सी टीम रा क्या करती है। एक यहां पर ट्रेड जरूर से लेके आए, और अब एक 1v1 में कन्वर्ट हो चुके फाइट। एक्विनॉक्स वहां पर क्लोज इन करने के लिए आएंगे, सामने तला बॉय जो है वो मौजूद है, ग्रेनेड किया गया, और टीएसएम के जो खिलाड़ी है वो ऑलरेडी वहां पर रिवाइवल की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट करते हुए नजर आए। तला बॉय को ऑलरेडी इंटेल मिल चुकी है, वो थोड़ा ओपन में आएंगे वापस, स्टिल सरवाइविंग 5 फिर